हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। इस सीरीज का ये पार्ट टू होगा। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड गर्ल्स रेजिडेंशियल फुटबॉल ट्रेनिंग फैसिलिटी कॉल्ड RFC गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। RFC गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, जो कि इंडिया की पहली गर्ल्स रेजिडेंशियल फुटबॉल ट्रेनिंग फैसिलिटी है, किस शहर में ओपन हुई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, बेंगलुरु। ये एकेडमी अंडर 13 से अंडर 22 एज ग्रुप के लिए बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? डेथ वैली किस देश में लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, USA। देखिए, डेथ वैली में अर्थ का तीसरा सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। अगस्त 16 को यहाँ पर फर्नेस क्रीक में 56.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान भी डेथ वैली में ही रिकॉर्ड किया गया है, 56.7 डिग्री सेल्सियस इन 1913। और सेकेंड हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था तुनिशिया में, 55 डिग्री सेल्सियस इन 1931। यहां से अगर स्टैटिक जीके कवर करें तो 5 टॉपिक्स निकल कर आते हैं। डेथ वैली मोजेव डिजर्ट एंड ग्रेट बेसिन डिजर्ट USA में लोकेटेड है। डेथ वैली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का लोवेस्ट हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट पोर्शन है। मोजेव डिजर्ट मोजेव पीपल के नाम पर है। ग्रेट बेसिन, जो कि कोल्ड डिजर्ट है, US का लार्जेस्ट डिजर्ट है। सोनरन डिजर्ट US एंड मैक्सिको दोनों देशों में लोकेटेड है। ये मैक्सिको का हॉटेस्ट डिजर्ट है। डेथ वैली और डेड सी में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखें, डेड सी या सी ऑफ साल्ट एक साल्ट लेक है, जो कि जॉर्डन इजराइल से एनक्लोज्ड है। मैप में आप देख भी पा रहे होंगे, डेड सी अर्थ पर लोवेस्ट एलिवेशन है और लोवेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ भी डेड सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे इज प्रपोज्ड टू बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर? दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे किस साल तक पूरा हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, 2024। ये लॉन्गेस्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा इंडिया का और इसकी लेंथ होगी 1275 किलोमीटर। ये 8 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। नितिन गडकरी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का कार्यभार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनी ओ सुलिवन इज अ प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? रोनी ओ सुलिवन किस खेल से संबंधित हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, स्नूकर। इन्होंने हाल ही में अपना 6th वर्ल्ड स्नूकर टाइटल जीता है। ये इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिकांत कामत हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? निशिकांत कामत, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, फिल्म मेकर। इन्होंने कई फेमस मूवीज डायरेक्ट किए हैं, जैसे मुंबई मेरी जान, दृश्यम और मदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अस्थाना हु इज अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ऑल्सो होल्ड्स द एडिशनल चार्ज ऑफ विच एजेंसी? राकेश अस्थाना, जिन्हें BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और कौन सी एजेंसी के हेड हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करती है। मेन पर्पस इस ब्यूरो का ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड केसेस हैंडल करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड क्लीन प्लेट कैंपेन अगेंस्ट फूड वेस्ट? क्लीन प्लेट कैंपेन किस देश में चलाया जा रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने फूड वेस्टेज पर अपनी राय रखी थी, जिसके तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर एक N1 सिस्टम भी लागू होगा, जिसमें 10 लोगों का ग्रुप केवल 9 डिशेज ही ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ब्रिक्स की 4th एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग किस कंट्री में संपन्न हुई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, रशिया। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। पहले ये ब्रिक कहलाता था, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ, तब ये ब्रिक्स बन गया।
ब्रिक शब्द जिम ओनील ने कॉइन किया है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल ऑब्जर्व सेप्टेम्बर 1 एज पुलिस डे इन रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क डन बाय द मैन इन यूनिफॉर्म? कौन सा राज्य 1 सितंबर को पुलिस दिवस मनाया करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अपॉइंटेड अश्विनी कुमार शुक्ला एज इट्स चीफ रिस्क ऑफिसर? किस बैंक ने अश्विनी कुमार शुक्ला को चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका स्लोगन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, 1911 से आपके लिए केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलडेक्स इंडियाज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच एक्सचेंज? बुलडेक्स जो कि इंडिया का पहला बुलियन इंडेक्स है किस एक्सचेंज ने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए बुलियन का मतलब होता है गोल्ड, सिल्वर या और भी जो प्रीसियस मेटल्स होती हैं उन्हें बार या स्पेशल कॉइन्स के रूप में रखा जाता है। इसी साल मई महीने में एमसीएक्स ने एग्रीडेक्स भी लॉन्च किया था, तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादबूद प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस विच रिवर? बादबूद प्रोजेक्ट किस नदी पर लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नर्मदा। ये प्रोजेक्ट गुजरात के भरूच रीजन को फ्रेश वाटर सप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड अ 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया टू सपोर्ट साइंटिस्ट इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टू टैकल द COVID-19 पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चेंज? किस देश ने 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, यूके। 2018 में यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप हुई थी जिसमें टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स बनाने का भी एक इनिशिएटिव लिया गया था। ये फंड साइंटिस्ट को रिसर्च में फंडिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल पार्टनर विद सेंट्रल वाटर कमीशन CWC फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव? कौन सी कंपनी सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर फ्लड फोरकास्टिंग में हेल्प करेगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, गूगल। जैसा कि आपको मालूम है असम एंड बिहार में वर्स्ट फ्लड सिचुएशन हुई है, ऐसे में ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है जो लोगों को फ्लड का अलर्ट देगा और उनकी लोकेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ाई तुहर द्वार इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? पढ़ाई तुहर द्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द 2019-20 प्रीमियर लीग? 2019-20 प्रीमियर लीग किस क्लब ने जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, लिवरपूल। लिवरपूल फुटबॉल क्लब इंग्लैंड बेस्ड एक क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिकॉग्नाइज द क्रिएटिविटी एंड डेवलप द इंटरेस्ट इन फुटबॉल विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साई? फुटबॉल में इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए AIFF ने साई के साथ मिलकर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ई पाठशाला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1982 में सेटअप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इजरा द गूगल असिस्टेंट बोट टू हेल्प कस्टमर्स बाय इनेबलिंग देम टू मैनेज देयर पॉलिसीज फ्रॉम होम? किस इंश्योरेंस कंपनी ने इजरा नाम का गूगल असिस्टेंट बोट लॉन्च किया जो कस्टमर्स को घर बैठे उनकी पॉलिसी की जानकारी देगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये बोट 200 से ज्यादा सवालों के जवाब देने में सक्षम है। अशोक लवासा हैज रिजाइंड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? किस संवैधानिक संस्था से अशोक लवासा ने रिजाइन कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में डिफाइन है। अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है और शायद अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करेंगे।
1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी थी। 16 अक्टूबर 1989 को इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। वर्तमान में सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। एज पर द फाइंडिंग ऑफ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020, कैंसर केसेस इन इंडिया इज लाइकली टू इंक्रीज ऑफ 1% बाय 2025। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक भारत में कैंसर केसेस कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 12%। कैंसर केसेस 12% बढ़कर 15 लाख के पार पहुंच जाएंगे 2025 तक। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च लोकेटेड है बेंगलुरु में। सेंट्रल इंडिया कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है नागपुर, महाराष्ट्र में। श्री क्षमा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? श्री क्षमा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन किस सिटी में लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मैसूर। देखिए, मैसूर के इस जूलॉजिकल गार्डन में 3 अफ्रीकन चीतास को लाया गया है, जिनमें एक मेल और 2 फीमेल हैं। इन्हें साउथ अफ्रीका के एन वान डाइक चीता सेंटर से लाया गया है। भारत में इससे पहले केवल नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में ही चीते रहते हैं। इनकी कैटेगरी IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट डिफेंस कॉरिडोर विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिफेंस कॉरिडोर किस जिले में बनेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अलीगढ़। इंडिया के 2 स्टेट्स में डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब जो इन सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर और आगरा, ये 6 नोड हैं। अलीगढ़ कॉरिडोर 400 हेक्टेयर एरिया में बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर में एक ऐसा इंडस्ट्रियल बेस या प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो देश के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 5 नोड्स यानी सिटीज इंटरकनेक्ट होंगी। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। धनवंतरी रथ विल प्रोवाइड कोविड एंड नॉन कोविड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पुलिस पर्सनल ऑफ विच स्टेट और यूटी? धनवंतरी रथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दिल्ली। ये धनवंतरी रथ पुलिस कॉलोनीज में जाएगा, जिसके साथ डॉक्टर्स की टीम होगी और पुलिस एंड उनकी फैमिलीज को एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट निर्माया भी दिल्ली पुलिस पर्सनल से रिलेटेड है। जब दिल्ली पुलिस कर्मी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने लगे थे, तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नागी शेट्टी उषा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बॉक्सिंग। ये बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की 2 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इन्हें खेल मंत्रालय द्वारा ध्यानचंद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। फॉर व्हाट स्पॉन्सरशिप अमाउंट हैज ड्रीम 11 एक्वायर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द 2020 इंडियन प्रीमियर लीग? ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप कितनी अमाउंट में एक्वायर की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 222 करोड़। वीवो एनुअली 440 करोड़ रुपए दे रहा था अब तक, जबकि ड्रीम 11 इस साल के सीजन के लिए केवल 222 करोड़ रुपए देगा, तो यहाँ पर BCCI को लॉस हुआ है। ड्रीम 11 इंडियन कंपनी है, जिसे हर्ष जैन एंड पवित शेठ ने शुरू किया था मुंबई से। हालांकि चाइनीज कंपनी टेंसेंट की भी इसमें हिस्सेदारी है, जो कि काफ़ी कम है। लास्ट ईयर ड्रीम 11 ने फैन कोड नाम से एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप भी लॉन्च की थी। पपुम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश। सैटेलाइट डेटा के हिसाब से इस फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी डिफॉरेस्टेशन देखा जा रहा है। ये हॉर्नबिल बर्ड का एक मुख्य हैबिटेट है। ईटानगर वाइल्डलाइफ सेंचुरी एंड पाके वाइल्डलाइफ सेंचुरी से ये घिरा हुआ है। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड जिसमें कि निकोबार आइलैंड्स भी इंक्लूड हैं एंड वेस्टर्न घाट्स। ये पपुम रिजर्व फॉरेस्ट इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का भाग है। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश एंड केरला की स्टेट बर्ड है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है और ये क्वेश्चन UPSC में पूछा जा चुका है 2016 में शायद।
हु इनोग्रेटेड अ थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर एट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज नेशनल हेडक्वार्टर्स ब्लड बैंक इन न्यू दिल्ली। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, हर्षवर्धन। इंडिया में विश्व के सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया चिल्ड्रन के केसेज हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को। फ्रेंड्स, थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि जीन्स के द्वारा पेरेंट्स से बच्चों में भी पहुंच सकता है। इस ऑर्डर का मेन रीज़न हीमोग्लोबिन की इनफ क्वांटिटी न बनना होता है। जब हीमोग्लोबिन इनफ नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगी और जल्द ही इनका टाइम स्पैन भी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण हमारी सेल्स में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। इसके सिम्टम्स मेनली टायर्ड फील करना और सांस लेने में तकलीफ होना होता है। सत्यपाल मलिक इज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट? सत्यपाल मलिक को किस नॉर्थ ईस्ट राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मेघालय। मलिक साहब तथागत रॉय की जगह लेंगे और मलिक साहब अब तक गोवा के गवर्नर थे। अब गोवा के गवर्नर का कार्यभार महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी देखेंगे। मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा एंड यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। स्काईरूट एरो स्पेस विच सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम्ड रमन इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? स्काईरूट एरो स्पेस जिसने कि रमन नाम का अपना अपर स्टेज रॉकेट लॉन्च किया है, किस सिटी में बेस्ड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, हैदराबाद। इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट की टीम ने ये स्काईरूट एरो स्पेस क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज्ड अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020? निम्न में से किसने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 रिलीज की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, वेंकैया नायडू। इस लिस्ट में ओवरऑल IIT मद्रास टॉप पर रहा है और सेकंड रहा है IIT मुंबई एंड थर्ड है IIT दिल्ली। अगर एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन की बात करें, इसमें अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंसेज एंड हायर एजुकेशन इन कोयम्बटूर ऑफ तमिलनाडु फर्स्ट रैंक पर रहा है। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस कैटेगरी में SR इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल का फर्स्ट रैंक पर रहा है। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, ये नंबर 1 पर रही है। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में मुंबई का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट नंबर पर रहा है। मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच हैज़ ओपन्ड अ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर सी फूड एक्सपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी किस शहर में लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, कोची। देखिए, इसने गुजरात के पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब खोली है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। फिशरी प्रोडक्शन एंड सी फूड एक्सपोर्ट इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। वट इज निंजा? निंजा क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अनमैंड एरियल व्हीकल्स। भारतीय रेलवे ने निंजा UAVs सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए पायलट बेसिस पर सेंट्रल रेलवे की मुंबई डिवीजन पर ऑपरेट किए हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू सेट अप एन अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स UAPTF अंडर इट्स नेवी टू इन्वेस्टिगेट UFO साइटिंग्स? कौन सी कंट्री ने अपनी नेवी के अंडर में एक यूनिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है ताकि UFO पर नजर रखी जा सके? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, USA। देखिए, UFO का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। चाइना की ओर से स्पाइंग थ्रेट देखते हुए ये स्टेप लिया गया है। इससे पहले US नेवी को कई बार UFO दिख चुके हैं इसकी एरियल रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, शहजान मुजीब। ये इंडियन आइडल सीजन 11 के फाइनलिस्ट हैं और साथ ही ऑस्कर में भी नॉमिनेट हो चुके हैं। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर्स हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? शक्ति माइक्रो प्रोसेसर किस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
टू आईआईटी मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आईआईटी मद्रास ने शक्ति एंड सीडेक ने वेगा माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। विच स्टेट विल बिकम द एपिसेंटर ऑफ इंडियाज ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री, इंडिया में स्टील इंडस्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य बनेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ओडिशा। 5,00,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 100 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन करने की फैसिलिटी तैयार की जाएगी। यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA विल कंडक्ट एग्जाम इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA कितनी भाषाओं में एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 12। आपको मालूम होगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप की है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी सभी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए इंक्लूडिंग ग्रुप बी एंड सी। रेलवेज, SSC, बैंकिंग के प्री एग्जाम यही कंडक्ट करेगी। इस एग्जाम में आई स्कोर की वैलिडिटी 3 साल रहेगी। NRA पहली बार 2020 यूनियन बजट में प्रपोज की गई थी। NRA का हेडक्वार्टर दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC विच हैज जॉइंट हैंड्स विद CSIR NAL टू एस्टेब्लिश एन इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC जो कि CSIR नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड के साथ मिलकर इनोवेशन प्लस इनक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करेगा किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स एरोस्पेस फील्ड में एक्सटर्नल प्राइवेट फंडिंग द्वारा स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। NRDC 1953 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुदगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कुदगी सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, कर्नाटका। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने एक 670 मीटर ब्रिज तैयार किया है जिससे कोल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आई है। NTPC इस प्लांट को ऑपरेट करता है। ये हाल ही में न्यूज में रहा है इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई किस खेल से संबंधित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, क्रिकेट। ये क्रिकेट के साथ साथ पिच क्यूरेटर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर मैती हु डाइड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, भास्कर मैती जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई किस खेल से संबंधित थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, फुटबॉल। ये 1978 बैंकॉक में हुए एशियन गेम्स में इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकर किता रिजाइंड एमिड मिलिट्री कू, किस देश के राष्ट्रपति को तख्तापलट के कारण अपने ऑफिस से इस्तीफा देना पड़ा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, माली। देखिए माली की कैपिटल है बमाको और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट द्वारा वायलेंस लंबे समय से चल रहा है जिसके कारण यहाँ की सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच क्रिएटेड वर्चुअल इंफॉर्मेशन डेस्क फैसिलिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बेंगलुरु। इस एयरपोर्ट ने वर्चुअल इंफॉर्मेशन डेस्क फैसिलिटी क्रिएट की है जिसमें पैसेंजर्स एयर स्टाफ से वर्चुअली वीडियो पर बात कर सकते हैं। ये सर्विसेज 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर विच हैज बीन कनेक्टेड विद मोबाइल कनेक्टिविटी इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ विच स्टेट, विजयनगर जिसे पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है किस राज्य में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश। BSNL ने अपनी 2G सेवा यहां पर शुरू की है। मैप लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, मैप में इसकी लोकेशन रेड बैलून जो दिख रहा है वही विजयनगर है, बिल्कुल म्यांमार से लगता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलापागोस आइलैंड्स वेयर मैरीन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 30 प्रीवियसली अननोन इनवर्टेब्रेट्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री, गलापागोस आइलैंड्स जहां पर मैरीन साइंटिस्ट द्वारा 30 प्रीवियसली अननोन इनवर्टेब्रेट्स की खोज की गई है किस देश का हिस्सा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, इक्वाडोर। देखिए
एनवर्टब्रेट्स वे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। 97% एनिमल्स एनवर्टब्रेट्स हैं। यूनेस्को की फर्स्ट 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से गैलापागोस आइलैंड भी एक है। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है क्विटो एंड करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT डेवलप्ड वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 टेस्टिंग किट कोरोश्योर। किस IIT ने विश्व की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल COVID-19 टेस्टिंग किट कोरोश्योर लॉन्च की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, IIT दिल्ली। ये किट 500 रुपए से भी कम की है और 3 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन हैज बीन फिक्स्ड फॉर 2020-21। 2020-21 के लिए सरकार द्वारा गन्ने का क्या फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तय किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 285 पर क्विंटल। देखिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जो सुगर मिल द्वारा फार्मर्स को फसल के बदले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज वेव्ड ऑफ SMS चार्जेस इन एडिशन टू इट्स पेनल्टी वेवर ऑन नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस फॉर ऑल इट्स सेविंग्स अकाउंट्स। किस बैंक ने SMS चार्जेस मिनिमम बैलेंस नॉन मेंटेनेंस पेनल्टी को हटा दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, August 19। ये दिन डगरेटाइप, जो कि पहला कमर्शियली सक्सेसफुल फोटोग्राफिक प्रोसेसर था, के इन्वेंशन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, August 19। देखिए, August 19, 2003 को बगदाद के कैनल होटल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग चीफ ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल जो इराक में काम कर रहे थे। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए 2009 से ये दिन मनाया जाता है। इसका थीम है ट्रिब्यूट टू रियल लाइफ हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, August 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विच हैज डेवलप्ड पवित्र पति बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एंड औषधा तारा एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट इज लोकेटेड इन विच सिटी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पवित्र पति यानी बायोडिग्रेडेबल मास्क और औषधा तारा यानी एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट बनाया है। यह इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पुणे। ये इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड्स, इन सभी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस रुडोल्फो अबिनादेर हैज बीन स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लुइस रुडोल्फो अबिनादेर किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डोमिनिकन रिपब्लिक। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, करेंसी है पेसो एंड कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। मैप से आप देख सकते हैं ये एक कैरिबियन कंट्री है जो कि हिस्पेनियोला आइलैंड पर लोकेटेड है। क्यूबा, पोर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सभी कंट्रीज ग्रेटर एंटिलीज आर्किपेलागो का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड जन बचत खाता। किस बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, फिनो पेमेंट बैंक। ये एक आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। देखिए, भारतीय एयरटेल इंडिया का पहला लाइव पेमेंट बैंक है, ठीक है, और पेमेंट बैंक लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। हालांकि ये करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही ATM भी दे सकते हैं और डेबिट कार्ड्स भी। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन बैंक को सेटअप करने के लिए होती है 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल दैट बैग्ड द फर्स्ट एवर पल्लिकुट्टम नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सेंट क्रिस्टोफर स्कूल जिसने कि फर्स्ट एवर पल्लिकुट्टम नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है, किस राज्य में लोकेटेड है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, नागालैंड। ये अवार्ड राजागिरी मीडिया द्वारा बनाया गया है। एजुकेशन फील्ड में इनोवेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नागालैंड के सीएम है निफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर है आर एन रवि और नागालैंड की कैपिटल है दीमापुर। मैप में नागालैंड को अगर लोकेट करें तो देखते हैं कि यह म्यांमार से इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर से भी बॉर्डर शेयर करता है। एक फैक्ट और याद करिए रखिएगा, माउंट सारामती नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ यूएसडी 1 बिलियन लोन टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए किस बैंक ने 1 बिलियन US डॉलर का लोन दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 82 किलोमीटर लंबा एक नेटवर्क होगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला इन फिलीपींस और यहाँ के एडीबी के प्रेसिडेंट है मशत्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी स्कीम। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी डिजिटल स्कीम लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, यस बैंक। ये स्कीम यस बैंक ने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत शुरू की है। तो इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गए, एक तो लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म किस बैंक से रिलेटेड है और दूसरा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी स्कीम। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। निम्न में से कौन सा देश सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, यूएसए। ये इनिशिएटिव जापान ने प्रपोज किया था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इसके मेंबर कंट्रीज होंगे। इस इनिशिएटिव का मकसद चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करना है। कई देश चाइना की एग्रेसिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पॉलिसी से नाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025 NSFE इज रिलीज्ड बाय विच एजेंसी और मिनिस्ट्री। किस एजेंसी द्वारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025 रिलीज किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, RBI। ये स्ट्रेटजी RBI द्वारा इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को सॉलिड करने एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड करने पर फोकस करती है। इसमें 5 C's का एक एब्रिविएशन भी दिया गया है जिसका मतलब है कॉन्टेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अगस्त 2020। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी अगस्त 20 को मनाई जाती है। इसे समरसता दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे और ये इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी के बड़े बेटे थे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में इनकी हत्या कर दी गई थी। भारत में IT रिवोल्यूशन की नींव राजीव गांधी ने 1985 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच सिटी पुलिस। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन किस शहर की पुलिस द्वारा चलाया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, छतरपुर। ये कैंपेन मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने चलाया है। इस कैंपेन के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं कोरोना टाइम के तहत उनकी सेहत और खान पान का ख्याल पुलिस द्वारा रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज कंक्लूडेड इन विच सिटी। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किस शहर में संपन्न हुई? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, न्यू दिल्ली। नेवल नेवी के दो ऑपरेशन काफी चर्चा में रहे हैं। पहला ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसमें विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस इंडिया लाया गया है। दूसरा मिशन सागर जिसमें साउथ वेस्ट रीजन की कंट्रीज को मेडिकल सहायता पहुंचाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रीसैलम डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। श्रीसैलम डैम किस नदी पर बना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, कृष्णा रिवर। फ्रेंड्स, श्रीसैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में आग लग गई थी जिसके कारण 9 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों साइड है। तेलंगाना के साइड वाला लेफ्ट बैंक पावर हाउस है जबकि आधा हिस्सा
इस डैम का आंध्र प्रदेश की साइड है। अभी जो आग लगी है ये तेलंगाना साइड वाले प्रोजेक्ट में लगी है। अगर वाटर इनफ्लोज एंड रिवर बेसिन की बात करें तो कृष्णा रिवर भारत की फोर्थ सबसे बड़ी नदी है, गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र के बाद। इसका सोर्स महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी हैज लॉन्च्ड हरित पाथ ऐप। किस एजेंसी द्वारा हरित पाथ ऐप लॉन्च की गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी। इसमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, क्या काम चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, कितना टारगेट है, ये सभी पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST डेवलप्ड एन ओरल नैनो मेडिसिन फॉर कॉम्बैटिंग काला अजर। द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने काला अजर के इलाज के लिए ओरल नैनो मेडिसिन डेवलप की है। हमें इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन बतानी है, ये किस शहर में है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मोहाली। साइंटिफिकली काला अजर को विसरल लेस्मेनियसिस कहते हैं। इसमें पैरासाइट्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं और अगर सही समय पर इलाज ना हो सके तो मृत्यु भी हो जाती है। फ्रेंड्स, INST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP प्रोसेसिंग यूनिट्स विल बी सेट अप टू इनहेंस द इनकम ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स की इनकम बढ़ाने के लिए कितनी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूनिट सेटअप की जाएंगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 2। अर्जुन मुंडा जो कि यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत रायगढ़ महाराष्ट्र एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़ में दो यूनिट्स सेटअप की जाएंगी। ट्राइबल्स से प्राप्त महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन से महुआ ड्रिंक, आंवला कैंडी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब बनाया जाएगा ताकि ट्राइबल्स की इनकम बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्ट फिल्म वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द ऑनलाइन पेट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किस फिल्म ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा ऑर्गेनाइज ऑनलाइन पेट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, MI को डायरेक्ट किया है अभिजीत पॉल ने और सेकेंड प्राइज जीता है अब इंडिया बनेगा भारत, जिसे डायरेक्ट किया है देवोजो संजीव ने, और थर्ड प्राइज जीता है 10 रुपीज, जिसे डायरेक्ट किया है युवराज गोकुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सोइंग एरिया कवरेज अंडर खरीफ क्रॉप्स हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ व्हाट परसेंट इन 2020 एज कंपेयर टू 2019। 2019 की तुलना में 2020 में खरीफ क्रॉप का टोटल सोइंग एरिया कितना परसेंट बढ़ा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 8.5%। फ्रेंड्स, भारत में एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर जुलाई से जून तक काउंट होता है। खरीफ का सीजन जुलाई से अक्टूबर होता है। खरीफ एंड रवि अरेबिक भाषा के शब्द हैं। खरीफ का मतलब होता है ऑटम यानी शरद और रबी का मतलब होता है स्प्रिंग यानी बसंत। खरीफ फसल इंडिया में 1,063 लाख हेक्टेयर एरिया में बोई जा रही है। खरीफ की फसल होती है राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल अबॉलिश द 19th अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू पेव वे फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। किस कंट्री द्वारा अपने संविधान का 19th अमेंडमेंट रद्द किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, श्रीलंका। श्रीलंका के 19th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को लिमिटेशन दी गई है, क्योंकि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड प्रधान एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों भाई हैं और सेम पार्टी के हैं, तो इनके लिए ये अमेंडमेंट रद्द करना इजी है ताकि पावर्स अपने हाथ में रखी जा सके। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा और प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षा, और यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धन पुराकोट्टे और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं सिन्हला एंड तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, August 21। इस दिन को यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया था। पहली बार ये दिन 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हैज अवार्डेड द टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसे चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इंदौर। देखिए, इंदौर लगातार फोर्थ टाइम इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बना है। पटना इस लिस्ट में सबसे आखिरी है। सूरत एंड नवी मुंबई इंदौर के बाद सेकंड एंड थर्ड नंबर पर हैं। अगर 10 लाख से नीचे की पॉपुलेशन वाले शहर की बात करें तो कराड ऑफ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है और 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में झारखंड पहले नंबर पर है। अगर कैंट बोर्ड्स की बात करें तो जालंधर नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन की नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। ये चार्ट आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। और ये वाला जो संस्करण था ये 5th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, अगस्त 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्मो जॉब्स एन ऐप फॉर हेल्पिंग जॉब सीकर्स टू अप्लाई फॉर एंट्री लेवल जॉब्स इज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय विच कंपनी? भारत में जॉब ढूंढने वाले व्यक्तियों के लिए किस कंपनी ने कॉर्मो जॉब ऐप लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, गूगल। देखिए, गूगल ने पहले ये प्लेटफॉर्म पायलट बेसिस पे बांग्लादेश में लॉन्च किया था जॉब्स के नाम से, फिर कॉर्मो जॉब्स नाम से इसने लॉन्च किया इंडोनेशिया में और अब इंडिया में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM inked an MOU with Switzerland-based Help Logistics to revolutionize efficacy and delivery of humanitarian assistance in South Asia? किस IIM ने स्विट्जरलैंड के Help Logistics के साथ करार साइन किया है साउथ एशिया में humanitarian assistance provide कराने के लिए? The correct answer is option 3, IIM Kozhikode. Who among the following is appointed as the new election commissioner? निम्न में से कौन नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? The correct answer is option 1, राजीव कुमार। अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भारत में संसद, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस ये नहीं कराती है, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। 1950 से 1989 तक इलेक्शन कमीशन सिंगल बॉडी कमीशन थी, फिर 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया दो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करके। 1990 में फिर से इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, लेकिन 1993 में फाइनली इसे फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी, इसलिए 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार एंड सुशील चंद्र। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा जी ने हाल ही में रिजाइन किया है। यहां से आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर देख सकते हैं। आर्टिकल 324 की क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग राजीव कुमार जी की अपॉइंटमेंट की गई है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम भी राजीव कुमार ही है। फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। वाइस चेयरपर्सन तो मैंने आपको बताया राजीव कुमार है, आपको बताना है कि चेयरपर्सन कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट करिया म्यूजियम इनटू अ मॉस्क? किस कंट्री ने करिया म्यूजियम को मॉस्क में बदलने का निर्णय किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, टर्की। ये सेंट सेवियर चर्च है। यहाँ की सिटी इस्तानबुल में बीजेंटाइन एम्पायर का राज हुआ करता था, उसी टाइम का ये चर्च है। हाल ही में टर्की ने हजिया सोफिया म्यूजियम को भी मस्जिद में बदल दिया है। टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोगान। फ्रेंड्स, इसको अर्दोगान पढ़ते हैं ना कि अर्दोगन, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में जी साइलेंट है यहां पर। टर्की की कैपिटल है अंकारा और यहां की करेंसी है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल? कौन सा राज्य अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, केरला। इस फेस्टिवल का नाम होगा थुम्बी महोत्सवम। इस फेस्ट का ऑफिशियल मास्कोट यानी शुभंकर होगा पंतलू। केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं
पिनराई विजयन और यहां के गवर्नर हैं अरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड नमत वसई ऑफ टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। ट्राइबल चिल्ड्रन को उनकी मदर टंग में पढ़ाने के लिए किस राज्य ने नमत वसई नाम का प्रोग्राम शुरू किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, केरला। फ्रेंड्स, केरला की जो मुख्य ट्राइब्स हैं वे हैं इरुला, मुडुगा, चोरानाइकन्नन, कुरुम्बास, कुतनाइकन्स, कदार्स एंड कोरागास। इस प्रोग्राम में पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस ट्राइबल्स को उन्हीं की लैंग्वेज में दिखाई जाएंगी। केरला मालाबार कोस्ट के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अरेबियन सी को ये टच करता है। पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट केरला से घिरा हुआ है, ये आप मैप से देख सकते हैं, येलो पार्ट केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री वर्क ग्रुप BWG इज अ ज्वाइंट एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया विद विच कंट्री। इंडिया और किस अन्य देश के बीच बाउंड्री वर्क ग्रुप एजेंसी बनी हुई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, नेपाल। देखिए, नेपाल ने कहा है कि सितंबर में बाउंड्री वर्क ग्रुप की मीटिंग होनी चाहिए। यह एजेंसी 2014 में बनाई गई थी ताकि बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन एंड रिपेयर का काम किया जा सके। इस ग्रुप को लीड करते हैं इंडिया के सर्वेयर जनरल, ठीक है, और नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, यहाँ की प्रेसिडेंट है बिंदिया देवी भंडारी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपालीस रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे विल लिंक द सिटीज ऑफ विच टू स्टेट्स। दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे किन दो राज्यों के शहरों को जोड़ेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के गोपालपुर को वेस्ट बंगाल के दीघा से कनेक्ट करेगा। इसकी लेंथ होगी 451 किलोमीटर और इस हाईवे का नंबर होगा 516A। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। यहां से आप इस हाईवे के रूट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्तोडील इज अ लीडिंग ई कॉमर्स फर्म ऑफ विच कंट्री। सस्तोडील किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, नेपाल। देखिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी सस्तोडील के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि फ्लिपकार्ट पर जो सेलर्स हैं वे अब नेपाल के ई कॉमर्स मार्केट में भी उतर सकेंगे, अपना बिजनेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC फॉर फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को फ्री डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए NSDC ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, IBM। देखिए, दोनों मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओपन PTech स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसका हेडक्वार्टर है अमोक, न्यूयॉर्क, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल कोऑपरेट विद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिजोल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन की पानी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, इजराइल। इस कोऑपरेशन के जो मेन इश्यूज होंगे वे वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए एडवांस प्रैक्टिस रहेंगे। झांसी के फौज डैम में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इनेबल किया जाएगा। फ्रेंड्स, ड्रिप इरीगेशन में पानी सीधा पौधों की जड़ों में दिया जाता है, या तो जड़ों के पास वाटर इनलेट्स लगा दिए जाते हैं या फिर जमीन में ही पाइप डाल दिए जाते हैं। इससे पानी की काफी बचत होती है। इस टेक्निक में इजराइल सबसे आगे है। इस पूरे प्रोजेक्ट को इजराइल की मसाओ एजेंसी ने तैयार किया है। बुंदेलखंड का ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और कुछ थोड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में। मैप से आप देख सकते हैं कि स्काई ब्लू यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं और ग्रीन पार्ट जो दिखाया गया है वो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स आईवीयर ब्रांड ओकले हैज रोब्ड इन विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, रोहित शर्मा। देखिए, ओकले का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, US में। रोहित शर्मा को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और रोहित शर्मा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के राइनो एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the overall rank of India on Digital Quality of Life DQL Index 2020? Digital Quality of Life Index 2020 में भारत की क्या रैंक है? The correct answer is option 1, 57. देखिए, ये इंडेक्स सर्फ सार्क ने जारी किया है। इस लिस्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर है।
इसमें ओवरऑल इंडिया 57 नंबर पर है। और अगर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इंडिया 9th नंबर पर है, इंटरनेट क्वालिटी के मामले पर 78th, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पर 79th, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के मामले में 57th और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के मामले में 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश टू बी रिनेम्ड एज बनारस, यूपी का कौन सा रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, मंडुवाड़ी। वाराणसी दो रिवर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वरुणा एंड आसी, वाराणसी को काशी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड एन ऑनलाइन फार्म टू फॉक सर्विस वेद कृषि .com फॉर सेलिंग नॉन टॉक्सिक फार्म प्रोड्यूस, किस मंत्री ने ऑनलाइन फार्म टू फॉक सर्विस वेद कृषि .com लॉन्च किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, नितिन गडकरी। फ्रेंड्स, इसमें फार्मर्स को डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ा जाएगा और घर घर डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, दालें, अचार ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर ज्वाइंट रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। फ्लिपकार्ट ने किस IIT के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग के रिसर्च वर्क में सहयोग करने की बात कही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिना, किस राज्य, निम्न में से कौन फिर से रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिना के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, फ्रांसिस्को असू। यहाँ की कैपिटल है मलाबो और ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट है थियोडोरो ओबियांग ग्यूमा मबासुको। यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परफॉर्मिंग स्टेट्स, किस राज्य ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, पंजाब। United States led military coalition troops have decided to withdraw from the Taji military base camp. The camp is located in which country? हाल ही में United States एंड इसके मिलिट्री पार्टनर्स ने ताजी मिलिट्री बेस कैंप से अपने सोल्जर्स वापस बुलाने का फैसला किया है। हमें बताना है कि ताजी बेस कैंप किस देश में है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इराक। देखिए, कुछ महीनों पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के एक जनरल एंड इराक के एक मिलिशिया लीडर मारे गए थे। इस घटना के बाद इराक की पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि इराक से सभी विदेशी सैनिक वापस भेजे जाएंगे। मैप में आप देख भी पा रहे होंगे, इराक के सेंटर में है ये ताजी बेस कैंप। इराक की लैंड बाउंड्री ईरान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया से लगती है। इराक की कैपिटल है बगदाद और यहाँ की करेंसी है इराकी दिनार। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफा अल कदीमी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बरहम सलीम। फ्रेंड्स, मैप में आप जो डार्क शेडेड एरिया देख पा रहे हैं येलो कलर में, यहाँ पर कुर्द लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। टर्की, अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, इन सभी के कुछ इलाकों में कुर्द लोग रहते हैं। कुर्द लोगों की एक फोर्स भी है जिसका नाम है पेशमेरगा, ये इराक के नदर्न पार्ट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन एंटी स्मोकिंग वेबसाइट, किस देश ने एंटी स्मोकिंग वेबसाइट लॉन्च की है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, नॉर्थ कोरिया। इस वेबसाइट का नाम है एंटी स्मोकिंग 1.0। नॉर्थ कोरिया ने अपना अलग ही कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया हुआ है, इसे कोई बाहर देश का व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही ये साइट कोई बाहरी व्यक्ति देख सकता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और मैप में आप देख भी पा रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को 38th पैरेलल लाइन डिवाइड कर रही है। जो ग्रीन रीजन है ये साउथ कोरिया है। अगर हम दूसरे मैप में देखें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिलकर कोरियन पेनिनसुला बनाते हैं। ये कोरियन पेनिनसुला येलो सी एंड सी ऑफ जापान के बीच में है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में एक डीमिलिटराइज्ड जोन भी है जिसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ये एरिया इन दोनों की बाउंड्री है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया से भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक कैलिस, लीजा स्थारेगर एंड जहीर अब्बास आर 3 रिटायर्ड ग्रेट्स ऑफ विच गेम। जैक कैलिस, लीजा स्थारेगर और जहीर अब्बास किस खेल से जुड़े हुए रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2,
क्रिकेट, देखिए इन तीनों को ही अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर रहे हैं, लीजा स्थालेकर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर रही हैं, जहीर अब्बास जिन्हें एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं, और आईसीसी के सीईओ हैं मनु सानी, और आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब वॉन यूरोपा लीग टाइटल हेल्ड एट कोलोगने जर्मनी, किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग का खिताब जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, सेविला। देखिए सेविला फुटबॉल क्लब स्पेन कंट्री का है, इसने अपना सिक्स्थ यूरोपा लीग टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के चेयरपर्सन कौन होंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 की सेक्शन 16 के अंडर ये काउंसिल सेटअप की है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट इसके चेयरमैन होंगे, और वाइस चेयरमैन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट। इसके अलावा और भी इसमें मेंबर शामिल होंगे जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टेस्ट, कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये भी कहा है कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी जॉब केवल यहीं के लोगों को मिलेगी, और जो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये 12 लैंग्वेज में टेस्ट कंडक्ट कराएगी। मध्य प्रदेश के सीएम, मैंने आपको जैसे बताया कि शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास अभी एडिशनल चार्ज है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना किसने लॉन्च की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है, इस स्कीम के तहत गरीबों को 8 रुपए में भोजन दिया जाएगा, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और राजस्थान की कैपिटल आपको पता है पिंक सिटी यानी जयपुर। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है, और ये एरिया वाइज देश का सबसे बड़ा राज्य है। फ्रेंड्स पॉपुलेशन वाइज देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी द चाइनीज सेंट्रल बैंक एक्वायर्ड स्टेक इन विच बैंक, चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में हिस्सेदारी ली है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए वैसे तो हिस्सेदारी काफी कम है ये, जस्ट 0.0065%, और इसके लिए इसने 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड सोल्जर्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स इन विच स्टेट, किस राज्य के सर्विंग एंड रिटायर्ड सोल्जर्स को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स देने से मुक्त कर दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, महाराष्ट्र। देखिए अभी तक ये बेनिफिट केवल उन सोल्जर्स को दिया जा रहा था जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हों, पर अब ये सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए कर दिया गया है। फ्रेंड्स गैलेंट्री अवार्ड्स पर हमारी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, आपको काफी जानकारी उसमें मिलेगी, एक क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाता है। और महाराष्ट्र की कैपिटल आपको पता है मुंबई है, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात मध्य प्रदेश दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र होता है वो नागपुर में होता है, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, नासिक को वाइन कैपिटल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंगूर की खेती काफी बड़े स्तर पर की जाती है। महाराष्ट्र इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट है और देश के सभी राज्यों में इसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ओवरशूट डे 2020 फॉल्स ऑन विच डे, अर्थ ओवरशूट डे 2020 किस दिन मनाया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, अगस्त 22। देखिए अर्थ ओवरशूट डे एक कैलकुलेशन होती है जो कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है, जिस दिन अर्थ पर रहने वाले लोगों की डिमांड अर्थ की
प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसे अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो ये मई या जून में आ जाता है पर कोरोना की वजह से जैसे कि सब लोग घर में हैं तो ये अगस्त में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शोकेस्ड इट्स सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मार्टियर कासिम सुलेमानी। किस कंट्री ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल मार्टियर कासिम सुलेमानी का प्रदर्शन किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, ईरान। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम मार्टियर कासिम सुलेमानी है और एक क्रूज मिसाइल जिसका नाम मार्टियर अबू मेहदी है, इनका प्रदर्शन किया। ये दोनों लोग यूनाइटेड स्टेट्स एयर स्ट्राइक में इराक में मारे गए थे, उन्हीं के नाम पर इन मिसाइल्स के नाम भी रखे गए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, यहाँ की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। मैप में अगर देखें तो ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, आर्मेनिया एंड अजरबैजान से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर हैज अनाउंस्ड हिज अपकमिंग बुक वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर बुक के ऑथर कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, चेतन भगत। और इस बुक को पब्लिश किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने और ये 28 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड इट्स ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम फॉर कॉरपोरेट क्लाइंट्स। किस बैंक ने कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, HSBC इंडिया बैंक ने। इस प्रोग्राम के तहत HSBC इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करेगा। HSBC बैंक इंडिया UK बेस्ड HSBC की सब्सिडरी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड, ये अब इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NPCI's इंटरनेशनल आर्म NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और NIPL। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल आर्म्स ओपन की है जिसका नाम है NIPL। तो इसके CEO कौन नियुक्त किए गए हैं ये हमें बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, रितेश शुक्ला। देखिए आपको मालूम होगा कि रुपे एंड UPI ऑलरेडी सिंगापुर एंड UAE में एक्टिव है। अब इन सर्विसेज का दायरा और कंट्रीज में बढ़ाने के लिए एंड एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए NIPL को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, NPCI 2008 में बनी थी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। DRDO चेयरमैन जी सतीश रेड्डी टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। पूरे देश में DRDO की 52 लेबोरेटरीज हैं। DRDO 1958 में बना था और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। सबसे पहला प्रोजेक्ट इसका प्रोजेक्ट इंडिको था जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स डेवलपमेंट का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड MSMEs नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स फॉर विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए 45 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि एडिशनल कार्यभार अभी यहाँ पर संभाल रही हैं, हालांकि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश किन राज्यों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। अगर एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज ये 5th लार्जेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, रंजना देसाई भारत के परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं। देखिए 24 अगस्त को डिलिमिटेशन कमीशन का न्यू ऑफिस ओपन हुआ है न्यू दिल्ली में। इस साल के शुरुआत में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई थी ताकि जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिर से तैयार की जा सके।
इस कमीशन का मुख्य कार्य रिसेंट जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना होता है। इसके ऑर्डर्स को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कमीशन अब तक 4 बार सेटअप की जा चुकी है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002 में। ये कमीशन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट की जाती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी गॉट द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर को मिला है, ठीक है। ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को जोड़ेगा। 56 करोड़ रुपए इसे बनाने में कुल लागत लगी है। ये 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फ्रेंड्स, आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स भी कहते हैं। अगर इसके एंशियंट नाम की बात करें तो प्राग ज्योतिषा या कामरूपा असम को कहा गया है। यहाँ के सीएम हैं सर्वानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम की कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वनी भाटिया टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अश्विनी भाटिया ने SBI बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अश्वनी भाटिया SBI के चौथे MD होंगे, जिसमें दिनेश खारा, अरिजीत बसु एंड CS शेट्टी अन्य तीन भी शामिल हैं। और SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी थ्रू ATMs? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। कोटक महिंद्रा बैंक ने ATMs के माध्यम से कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू की है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द माई IAF मोबाइल ऐप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। माई IAF मोबाइल ऐप एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी ने लॉन्च की है। ये ऐप जो लोग इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू इंप्रूव नेटवर्क कैपेसिटी एंड सेफ्टी ऑफ द मुंबई सब अर्बन रेलवे सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। भारत ने मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और यहाँ के इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन, ठीक है। और AIIB बना तो 2015 में था, लेकिन 2016 में इसने अपना बिजनेस शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IT कंपनी हैज कोलेबोरेटेड विद द नीति आयोग वीमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP टू सपोर्ट वीमन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। टेक महिंद्रा कंपनी ने देश भर की महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स जायंट हैज कमिटेड टू ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030 अक्रॉस इट्स ई कॉमर्स वैल्यू चेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। फ्लिपकार्ट ने अपनी ई कॉमर्स मूल्य श्रृंखला में 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के लिए प्रतिबद्ध किया है। फ्लिपकार्ट में मेजोरिटी स्टेक वॉलमार्ट कंपनी के हैं और फ्लिपकार्ट जो है 2007 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर फ्लिपकार्ट की सब्सिडरीज कंपनीज की बात करें तो इसमें है मिंत्रा, जेबोंग, फोनपे, ई कार्ट, जीव्स एंड टू गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी लॉन्च्ड क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम फॉर NBFC NMFIS? ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। NBFC MFI के लिए नाबार्ड ने ऋण गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर NBFC का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और MFIs का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और नाबार्ड के जो चेयरपर्सन है वो है हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल IT सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हैज बिगन ऑपरेटिंग अंडर अ न्यू नेम कोफोर्ज लिमिटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।
नीट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक नए नाम कोफोर्ज लिमिटेड के तहत काम करना शुरू किया है और इसके सीईओ हैं सुधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्टिन जॉनसन होल्ड्स द रैंक 1 इन विच स्पोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। डस्टिन जॉनसन गोल्फ में रैंक 1 हासिल किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस साल 5 डिफरेंट प्लेयर्स रैंक 1 हासिल कर चुके हैं गोल्फ में और डस्टिन जॉनसन ने मई 2019 के बाद पहली बार ये रैंक हासिल की है। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज गोइंग टू सेट अप एन ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर OWC प्लांट इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मध्य प्रदेश राज्य में ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर OWC प्लांट स्थापित करने जा रहा है। यूनिट में एकत्र किए जाने वाले बायोडिग्रेडेबल कचरे को OWC में ले जाया जाएगा जहां इसे नॉन डिग्रेडेबल पार्ट से अलग कर दिया जाएगा। खाद बनाने के लिए इसमें लगभग 10 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई जुहार वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फेस्टिवल्स इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नुआखाई जुहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। ठीक है, नुआखाई जुहार एक कृषि त्योहार है। नुआखाई नुआ यानी नया एंड खाई यानी खाना, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इस दिन अनाज की पूजा की जाती है। ओडिशा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध देवी समलेश्वरी को किसान अपनी भूमि की पहली उपज देते हैं। विच इंडियन जूडोका हैज बीन हैंडेड अ 22-month सस्पेंशन बाय नाडाज एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। दीपांशु बलयान को नाडा के एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल द्वारा 22 महीने का निलंबन सौंपा गया है। देखिए, इन्होंने गलती से फ्यूरोसेमाइड का सेवन किया था एज अ मेडिसिन। फ्यूरोसेमाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि बॉडी वेट घट सके। जूडो में प्लेयर्स वेट के हिसाब से कैटेगराइज्ड होते हैं, इसलिए अगर कोई प्लेयर कम वेट कैटेगरी में खेलना चाहता है तो इस तरह के सब्सटेंस का यूज कर जाता है। वर्ल्ड वाइड जूडो कम्युनिटी का हेडक्वार्टर है टोक्यो इन जापान और इसका नाम है कोडोकन जूडो इंस्टीट्यूट। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बनी थी। थोदम कल्पना देवी 2010 में फर्स्ट भारतीय बनी जिन्होंने जूडो वर्ल्ड कप में कोई मेडल जीता। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था इस वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलांग विच हैज बिकम अ मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर शिप ब्रेकिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अलांग जो जहाज तोड़ने के लिए एक प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र बन गया है गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, INS विराट को अब डिसमेंटल यानी तोड़ा जाएगा। ये काम गुजरात के अलंग शिपयार्ड ब्रेकिंग सेंटर पर होगा। INS विराट विश्व का सबसे लंबा सर्विंग वारशिप है। 1959 में ये कमीशन हुआ था, तब इसका नाम HMS हर्मस था। 2014 में INS विक्रांत को भी मुंबई में डिसमेंटल किया गया था। अलंग की लोकेशन इस मैप में आप देख सकते हैं, गुजरात के साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज कवच 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास कवच 2020 रशिया में आयोजित किया जाएगा। देखिए, ये एक्सरसाइज 15 से 26 सितंबर 2020 तक रशिया में होगी। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के अलावा ये सभी कंट्रीज जो मेंशन की हुई हैं पार्टिसिपेट करेंगी। कॉक्सस माउंटेन्स इस कवच रीजन में लोकेटेड है। कवच रीजन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच का भाग है। मैप से आप देख भी सकते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान इस रीजन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंडरसन हैज बिकम द फर्स्ट पेसर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स। ही अचीव्ड दिस फीट प्लेइंग अगेंस्ट विच टीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। देखिए, जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले पेसर बन गए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। ठीक है, और जेम्स एंडरसन का यह 156th मैच था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम के कैप्टन अजहर अली को आउट करके अपने 600 विकेट पूरे किए। इनसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अब 3 ही प्लेयर्स हैं, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न एंड अनिल कुंबले। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद ये फास्टेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शिप ऑफ टाइप 054 क्लास फ्रिगेट
रिसेंटली इन द न्यूज वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, टाइप 054 क्लास फ्रिगेट जो हाल ही में खबरों में है चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए चाइना ने टाइप 054 क्लास फ्रिगेट की फर्स्ट नवल वारशिप पाकिस्तान को दी है। तीन और अभी पाकिस्तान को ये नवल वारशिप दी जाएंगी। चाइना और पाकिस्तान आपको मालूम होगा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चाइना के शिनजियान प्रोविंस से भी कनेक्ट करता है। ये कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। फ्रेंड्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, मदर टेरेसा की जयंती हर साल 26 अगस्त में मनाई जाती है। फ्रेंड्स मदर टेरेसा का जन्म स्कोपियो में 26 अगस्त 1910 में हुआ था। 1929 में भारत आई और 1997 में कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था 1979 में, पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था 1962 में और 1980 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज द 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। देखिए थाईलैंड के साथ साझेदारी में भारत ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज का आयोजन किया है, ठीक है, और इसका थीम रहा आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड एरा। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यहां की करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फर सोफिया पोपोव बिलोंग्स टू विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, गोल्फर सोफिया पोपोव जर्मनी से संबंधित है। देखिए सोफिया पोपोव जर्मनी की पहली फीमेल गोल्फर बन गई हैं जिन्होंने कोई मेजर टाइटल जीता है। इन्होंने विमेन्स ब्रिटिश ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। देखिए 40 लाख तक के सालाना कारोबार को अब माल और सेवा कर यानी जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले ये एग्जेप्शन केवल 20 लाख रुपए तक का था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस जेट फ्यूल्स क्रूड ऑयल एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज इन सभी पर जीएसटी से बाहर रखा गया इन सभी को। हालांकि स्टेट्स एल्कोहल पर टैक्स लगाते हैं। फ्रांस जीएसटी इंट्रोड्यूस करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित की है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, यहां की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, ठीक है। और फ्रेंड्स आपने ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के किन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद आयुब खान के साथ इस ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन किए थे। 10 सेकंड्स आपको मिलते हैं, जल्दी से जवाब दें। फ्रेंड्स जो ये उज्बेकिस्तान है ये 5 लैंडलॉक कंट्रीज से घिरा है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये लोकेशन आप इस मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ओपन एपीआई सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में ओपन एपीआई सेवा शुरू की है। ओपन एपीआई सर्विस का यूज करके कंपनीज अपने एम्प्लॉइज का हेल्थ स्टेटस चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोमी घटक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, पोलोमी घटक टेनिस खेल से जुड़ी हुई है, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है टेबल टेनिस से। ये 7 टाइम नेशनल चैंपियन रही है टीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नवरत्न कंपनी बैक्ड स्वच्छता ही सेवा अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार मिला है। एनएलसी मतलब नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड।
ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नेवेली इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनाउंस्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर इंडियन यूथ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, एक्सिस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की घोषणा की है। फ्रेंड्स, लिबर्टी सेविंग अकाउंट लाइफ स्टाइल को ईज करने के लिए दी जा रही सर्विस है। इसमें कोविड 19 के इंश्योरेंस प्लान भी शामिल है। पास्कल लिशोबा, हु डाइड रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। 1997 के सिविल वॉर के बाद इन्हें हटा दिया गया और तब से यहाँ के प्रेसिडेंट डेनिस सोसो निगोसो हैं। फ्रेंड्स, कॉन्गो नाम से दो देश हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी कैपिटल है किन्शासा, इसे जायर भी कहते हैं, एंड सेकेंड है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल है ब्राजाविल। मैप में देखिए, सेंटर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिख रहा होगा और इसी के वेस्ट में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ यूरोप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ग्रीस यूरोप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक देश है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि ब्लैक सी में टर्की को नेचुरल गैस रिजर्व मिला है और अब ये मेडिटेरेनियन सी में भी एक्सप्लोरेशन वर्क और तेजी से कर रहा है। ग्रीस एंड टर्की में इस बात को लेकर तनातनी चल रही है, यहां तक कि फ्रांस, इटली, साइप्रस एंड ग्रीस ने एक नेवल एक्सरसाइज भी की है मेडिटेरेनियन सी में। ग्रीस यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका के बीच में स्थित है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की, इन सभी कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल है एथेंस और यहाँ की करेंसी है यूरो। फ्रेंड्स, मेडिटेरियन बेसिन के साथ ग्रीस सबसे लंबी कोस्ट लाइन शेयर करता है। इन मैप्स में आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड मैप में लोकेशन दिखाई गई है, ये बाल्कन पेनिनसुला है, ग्रीस भी इसी का पार्ट है। और राइट साइड में जो मैप है उसमें आप देखेंगे तो ग्रीस के ईस्ट में एजियन सी, वेस्ट में आयोनियन सी एंड साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड किरण हेल्पलाइन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किरण हेल्पलाइन लॉन्च की है। फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है थवरचंद गहलोत। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, मूड फ्लक्चुएशन, इन सभी मामलों में हेल्प करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रामगोपाल राव कमिटी हैज बीन सेटअप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, वी रामगोपाल राव समिति डीआरडीओ द्वारा स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, डीआरडीओ के जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इन्होंने 5 मेंबर कमेटी बनाई है जिसे हेड करेंगे वी रामगोपाल राव। इस कमेटी का उद्देश्य डीआरडीओ की लेबोरेटरीज के कार्य की समीक्षा एंड टेक्नोलॉजीज ओवरलैप को मिनिमाइजेशन करना रहेगा। हाल ही में डीआरडीओ ने 108 ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाई है जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनवाए जाएंगे। फ्रेंड्स, डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था और पूरे देश में इसकी 52 लेबोरेटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर हैज लॉन्च्ड एन ऑन डिमांड 24/7 ऑटो रेंटल सर्विस इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। फ्रेंड्स, उबर ने भारत में ऑन डिमांड 24/7 ऑटो किराया सेवा शुरू की है। उबर ने ये सर्विस दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड पुणे में लॉन्च की है। इस सर्विस के तहत राइडर कहीं पर भी रुक सकता है और फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। उबर का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईटी कंपनी हैज लॉन्च्ड एन एआई ड्राइवन सॉल्यूशन दैट विल ऑटोमेट हेल्प डेस्क ऑपरेशंस? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन टू, इंफोसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉल्यूशन शुरू किया है जो हेल्प डेस्क ऑपरेशन को स्वचालित करेगा। इस सेटअप का नाम होगा कॉग्निटिव ईमेल वर्कबेंच। ब्लू प्रिज्म के साथ मिलकर इंफोसिस ने ये तैयार किया है और इंफोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। और इंफोसिस का फाउंड हुआ था 1981 में और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी हैज साइंड एन एमओयू विद सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक कोलेबोरेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, आईआईटी तिरुपति ने वैज्ञानिक सहयोग के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
फ्रेंड्स, इस समझौते के तहत इन दोनों इंस्टीट्यूट की फैकल्टी एंड साइंटिस्ट साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है मैसूरू में और IIT तिरुपति है आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, नलिनी रंजन सरकार कमेटी ने देश में IITs बनाने की सिफारिश की थी। इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपके लिए कई क्वेश्चंस में इंसर्ट करते रहते हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अड्डा कॉर्नर के साथ ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए साझेदारी की है। SBI के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और SBI का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और SBI कब बना था? 1 जुलाई 1955 में। देखिए, इसमें जितने भी होम बायर्स हैं, जो भी घर खरीदना चाहते हैं, वे सभी मिलकर अपने सेलर से निगोशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पवेलियन एट आर्मी 2020 फोरम इनोग्रेटेड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन रशिया देश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पर्सनल एक्सीडेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। SBI जनरल इंश्योरेंस ने व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। फ्रेंड, इस पॉलिसी में यह जरूरी नहीं है कि जो पॉलिसी खरीद रहा है उसी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। वो व्यक्ति किसी और को भी एक इंश्योरेंस गिफ्ट कर सकता है, यानी दूसरे के नाम भी करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डेटा टू असेस फार्मर्स लोन्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ICICI बैंक। किसान ऋण का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ICICI पहला बैंक बन गया है। इस बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और ICICI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। कर्नाटक सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनवाएगी जिसमें वे रह सकते हैं, सभी सुविधाएं जैसे खाना पानी वे यहां पर पा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन्ड न्यू इंटरसेप्टर बोट C449 एट विच सिटी कोस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई शहर के तट पर नए इंटरसेप्टर नाव C449 को कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड ओमनी कलेक्ट अ वन स्टेप सॉल्यूशन टू प्रोवाइड मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। HSBC इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म पर कई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए वन स्टॉप समाधान ओमनी कलेक्ट की शुरुआत की है। HSBC जो है एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में। Which country has proposed to create a BRICS innovation base? The correct answer is option 2. China ने BRICS innovation base बनाने का प्रस्ताव दिया है। चीन 5G, artificial intelligence, digital economy, industry and information technology जैसे क्षेत्रों में BRICS देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए BRICS innovation base सेटअप करने की बात कर रहा है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का मेंबर बना। वर्ल्ड GDP का 23% शेयर ब्रिक्स कंट्रीज होल्ड करती हैं एंड ब्रिक्स कंट्रीज की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन की 41% है। ब्रिक्स शब्द गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने कॉइन किया था, हालांकि कहा जाता है कि रूपा पुरुषोत्तम ने ब्रिक्स शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। गुजरात ने नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग ने पहला एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। स्टेट्स को 4 पैरामीटर्स के आधार पर रैंक किया गया है, जिनमें है पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ओवरऑल इस सूचकांक को गुजरात ने टॉप किया है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर तमिलनाडु राज्य है। अगर लैंडलॉक स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट,
तेलंगाना सेकंड एंड हरियाणा थर्ड पोजीशन पर रहा है। हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड फर्स्ट, त्रिपुरा सेकंड एंड हिमाचल प्रदेश थर्ड पर रहा है, जबकि यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड अ लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व इन द ब्लैक सी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। हाल ही में टर्की ने ब्लैक सी में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। देखिए, टर्की की ड्रिलिंग शिप जिसका नाम फतेह है, वो कई महीनों से ब्लैक सी में एक्सप्लोरेशन का कार्य कर रही थी और इसी दौरान इस गैस रिजर्व को खोजा गया है। 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस अमाउंट बताई जा रही है इस रिजर्व में। मेडिटेरेनियन सी में इजिप्ट की एक काफी बड़ी जोहर नाम की गैस फील्ड है, उसकी 1/3 ये नेचुरल गैस फील्ड खोज ली है टर्की ने। टर्की की कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेचेप तैयब अर्दोआन। फ्रेंड्स, मैप में अगर देखें तो टर्की ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इसके नॉर्थ में है ब्लैक सी, साउथ में मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट में एशियन सी भी है। ग्रीस एंड टर्की में काफी तनातनी चल रही है आजकल, क्योंकि टर्की मेडिटेरेनियन सी में एक्सप्लोरेशन काम अपना बढ़ाना चाहता है और ग्रीस कहता है कि टर्की उसकी वाटर टेरिटरी में एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द वर्स्ट फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। $200 बिलियन की कमाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं। देखिए, जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ हैं और बिल गेट्स नेटवर्थ के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। जेफ बेजोस अमेजन के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं और इनकी एरोस्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। फ्रेंड्स, स्पेस एक्स भी एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसके ऑनर हैं एलन मस्क। ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन वन। रविशंकर प्रसाद जी ने चुनौती अगली पीढ़ी स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है। देखिए, 3 साल तक के लिए इस प्रोग्राम का बजट 95 करोड़ है और इस प्रोग्राम के तहत 300 स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे ताकि वे अपने इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना सकें। इसके लिए उन्हें 25 लाख की सीड फंडिंग भी दी जाएगी। सीड फंडिंग का मतलब होता है किसी नए बिजनेस में शुरुआती इन्वेस्टमेंट करना ताकि वो बिजनेस ग्रो कर सके। फ्रेंड्स, रविशंकर प्रसाद जी के पास 3 पोर्टफोलियो हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं, साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर उड़ान 4.0? देखिए, उड़ान स्कीम के तहत अब तक 766 रूट्स सैंक्शन हो चुके हैं, ठीक है। और अब जो ये उड़ान 4.0 है, इसके तहत नए रूट्स को मंजूरी मिली है और इनकी संख्या है 78, ठीक है। बीते दिसंबर 2019 को ये उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी और उड़ान 4.0 लॉन्च हुई थी, उसी में ये 78 नए रूट्स ऐड किए गए हैं। उड़ान स्कीम अप्रैल 27, 2017 में शुरू की गई थी। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम में गवर्नमेंट जो अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड रीजन है, जहां तक कि अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, वहां तक एयर सर्विस को पहुंचाना इसका मकसद है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। देखिए, 28 अगस्त 2020 को इस योजना को 6 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स, 55% प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर्स महिलाएं हैं और 63% लोग रूरल एरियाज से हैं जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है।
यहाँ पर आप इस योजना की कंप्लीट डिटेल्स भी पा सकते हैं, काफी सिंपल वर्ड्स में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ द बुक डेली रायट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, किरण देसाई। देखिए ऊपर की जो तीनों हैं, मोनिका अरोरा, सोनाली चितालकर, प्रेरणा मल्होत्रा, इन तीनों ने ये बुक लिखी है और फरवरी 2020 में आपको पता होगा दिल्ली दंगे हुए थे जिनमें 53 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसी पर बेस्ड ये बुक है। इस बुक को ब्लूम्सबरी पब्लिश करने वाली थी लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया क्योंकि इस बुक के लॉन्च इवेंट के दौरान कपिल मिश्रा भी शामिल थे जिनका नाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आया था इन दंगों को उकसाने को लेकर। अब इस बुक को गरुड़ प्रकाशन पब्लिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स गेम्स 2021। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ब्रिक्स गेम 2021 इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, इंडिया खेलो गेम्स 2021 के साथ ही ब्रिक्स गेम्स भी कराने पर विचार कर रहा है ताकि दोनों गेम्स एक साथ हो सके। फ्रेंड्स, पहले ब्रिक्स गेम्स 2017 में चाइना में हुए थे। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 किस राज्य में संपन्न होंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू प्रोक्योर टू फॉल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहां की करेंसी है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, पिनराई विजयन ने यह समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम प्रतीक्षा है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये मैरीन एम्बुलेंस फिशरमैन के लिए लॉन्च की गई है। कई फिशरमैन अपने काम के दौरान या तो डूब जाते हैं या और किसी रीजन से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो ये मैरीन बोट उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वुमेन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ MSME लोन स्कीम बेनिफिशरीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। देखिए MSME ऋण योजना लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु राज्य की महिलाएं शीर्ष पर हैं। ठीक है, और तमिलनाडु के CM कौन है, E.K. पलनीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, और कैपिटल क्या है तमिलनाडु की, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियन कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नीति आयोग। देखिए इस प्रोग्राम के तहत आने वाले वर्षों के लिए एक प्लानिंग के साथ भारत में परिवहन, ऊर्जा और क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जाएगा ताकि वे ट्रेवलिंग मोड को डीकार्बोनाइज करने के लिए कदम उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। देखिए दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए लगभग 18 स्कीम्स चलाई हुई हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इस दिए गए लिंक से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। विच कंट्री विल अनवील अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ इंडियन डॉक्टर द्वारकानाथ कॉर्टनीस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इनका ब्रॉन्ज स्टैचू चाइना के एक मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा। इन्होंने चाइनीज रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय चाइना में अपनी सर्विसेज दी थी। ये उस 5 मेंबर मेडिकल टीम का हिस्सा थे जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय चाइना की सहायता के लिए भेजा गया था। इनको चाइना में काफी माना जाता है और काफी रेस्पेक्ट भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल प्रशिक्षण ऐप राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई। ये ऐप NCC कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान करेगी। आपको बता दें कि NCC का गठन 26 जुलाई 1948 में HN कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत हुआ था। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट सदस्य बन सकते हैं। NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who released a book titled National Security Challenges, Young Scholars Perspective? The correct answer is option 1. राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विवेचन M.M. नरावने जी ने किया। देखिए ये बुक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स द्वारा लिखी गई है। इस बुक को इंडिया के फील्ड मार्शल मानेकशॉ को एक ट्रिब्यूट के रूप में भी आप देख सकते हैं। इस बुक में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई बातें बताई गई हैं। 2018-19 में एक ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था फील्ड मार्शल मानेकशॉ ऐसे कंपटीशन। बस उसी के कुछ सिलेक्टेड ऐसे इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक YouTube चैनल भी शुरू किया है जिसमें हर वेडनेसडे को अपलोडेड वीडियो द्वारा बच्चे अपनी फिटनेस प्रैक्टिस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड GIS इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक पोर्टल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। पीयूष गोयल जी ने GIS इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से इन्वेस्टर्स ये जान पाएंगे कि विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन किस जगह पर उपलब्ध है, कौन से प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, किस इंडस्ट्रियल बेल्ट में कौन सा काम शुरू होने वाला है, उसके हिसाब से ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी इन स्कूल्स ऑफ 35 कंट्रीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। एरिक्सन ने 35 देशों के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, एरिक्सन एंड यूनिसेफ मिलकर 2023 तक 35 कंट्रीज के स्कूल्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे और ये सभी काम गीगा इनिशिएटिव के तहत होगा जिसे यूनिसेफ एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 2019 में लॉन्च किया था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड अ रियल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट स्मार्ट असिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने एक रियल टाइम वर्चुअल असिस्टेंस लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। ये वर्चुअल असिस्टेंस स्क्रीन टू स्क्रीन इंटरेक्शन प्रोवाइड कराएगा कस्टमर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि COVID-19 के कारण फेस टू फेस इंटरेक्शन अब सही से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became first bowler to take 500 wickets in T20s? The correct answer is option 4. देखिए वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो ये T20 में पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं और ये IPL भी खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹50 lakh फॉर जर्नलिस्ट होम गार्ड्स एंड कैजुअल एम्प्लॉयज हु सकुम्ब टू COVID-19 वाइल ऑन ड्यूटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। देखिए असम ने उन पत्रकारों होमगार्ड और कैजुअल कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज स्वीकृत किया है जो ड्यूटी के दौरान COVID-19 के शिकार होने की संभावना है। देखिए कई ऐसे डॉक्टर्स जर्नलिस्ट और कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु अपनी ड्यूटी करते हुए COVID-19 की वजह से हो गई है। ऐसे ही लोगों के लिए असम सरकार ने ये 50 लाख का बीमा लाई है। अगर ड्यूटी करते हुए COVID-19 से किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा। दूसरा जो फैसला इन्होंने कैबिनेट डिसीजन में लिया है अपने, वो ये है कि असम सरकार ने धनश्री इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड से 116 करोड़ का लोन लिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट बार्न आउल्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। लक्षद्वीप ने प्रोजेक्ट बार्न उल्लू को सफलतापूर्वक लागू किया है। देखिए प्रोजेक्ट बार्न आउल्स रेट्स यानी चूहे की समस्या से समाधान पाने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक कोर्स टू इम्पार्ट मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज फॉर्म एंशिएंट टेक्स्ट इन संस्कृत? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। देखिए IIT इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम पेश किया है। इस कोर्स में सबसे पहले बेसिक संस्कृत सिखाई जाएगी, उसके बाद क्लासिकल मैथमेटिक्स संस्कृत भाषा में सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश कुमार खारा विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। दिनेश कुमार खारा SBI बैंक के नए अध्यक्ष होंगे
और ये किन्हें सक्सीड करेंगे, ये करेंगे रजनीश कुमार जी को, SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एथलेटिक्स कोच हु डाइड अ डे बिफोर ही वाज टू रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड 2020। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, पुरुषोत्तम राय। देखिए पुरुषोत्तम राय जी की मृत्यु हो गई है और इन्हें इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इन्होंने इस अवार्ड के लिए रिहर्सल भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली इनका एक दिन पहले निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश अ स्किल यूनिवर्सिटी इन मंगलदोई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मंगलदोई में असम राज्य एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। नेक्स्ट, विच एजुटेक फर्म हैज बीन रोप्ड इन एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग 2020। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 के लिए अन अकेडमी को आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। देखिए ये अन अकेडमी बेंगलुरु बेस्ड एक एजुटेक फर्म है और आप सभी को ये मालूम होगा और इसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है IPL का 3 सीजन के लिए, ठीक है। और आपको बता दें अन अकेडमी जो है एक सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल के रूप में शुरू किया गया था 2010 में गौरव मुंजल द्वारा, ठीक है। उसके बाद 2015 में ये कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। विच कंट्री हैज विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम कवच 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इन रशिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इंडिया ने रूस में कवच 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास से अपनी भागीदारी वापस ले ली है, ठीक है। आपको पता है कि चाइना के साथ अभी हमारे रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं और चाइना, पाकिस्तान, टर्की ये सभी जो SCO कंट्रीज हैं ये इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया चाइना की वजह से इस एक्सरसाइज से अपने आप को दूर कर चुका है, ठीक है। हालांकि ऑफिशियल कोई रीजन नहीं बताया गया है लेकिन जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो यही है। एट प्रेजेंट विच नेशनल पार्क इज द ओनली अवार्ड ऑफ द एशियाटिक लायन। वर्तमान में एशियाटिक लायन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, गिर नेशनल पार्क। एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो पर्सिका। एशियाटिक लायन अफ्रीकन लायन से छोटे साइज के होते हैं। पोचिंग की घटनाओं की वजह से इनके संरक्षण की काफी जरूरत है। 3 मेजर रोड्स एंड अ रेलवे ट्रैक गिर फॉरेस्ट से गुजरते हैं जिससे इनकी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की बात कही है। बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड एंड क्लाउडेड लियोपर्ड ये सभी पैंथेरिन कैट स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट गैंजेटिक डॉल्फिन विल हैव टाइम ड्यूरेशन ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। प्रोजेक्ट गैंजेटिक डॉल्फिन की समय सीमा क्या होगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 10 ईयर्स। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली रिवर में पाई जाती हैं, जिनका बेसिन एरिया इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश है। इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग गैंजेटिक डॉल्फिन्स की संख्या 3700 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिवराइन एंड ओशियनिक डॉल्फिन्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट गैंजेटिक डॉल्फिन प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है। 2009 में गैंजेटिक डॉल्फिन को इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस भारतीय शहर ने अपना ऑफिशियल मास्कोट या सिटी एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया हुआ है। रिवराइन डॉल्फिन एंड ओशियनिक डॉल्फिन में अंतर होता है। रिवराइन डॉल्फिन स्लो स्विमर होती हैं जो रेयरली ही जंप करती हैं। आई साइड इनकी पुअर होती हैं। इनके जो नाक के आगे का भाग होता है वो लंबा और पतला होता है। इसके विपरीत ओशियनिक जो डॉल्फिन होती हैं उनकी आई साइड्स अच्छी होती हैं और ये फास्ट स्विमर और अच्छी जंपर भी होती हैं। इनके नाक के आगे का भाग छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन प्रताप सिंह चौहान हु डाइड ऑफ COVID-19 रिसेंटली वॉज मिनिस्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर, होम गार्ड्स एंड सिविल सिक्योरिटी इन विच स्टेट। चेतन प्रताप सिंह चौहान जिनकी हाल ही में COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई, किस राज्य में सैनिक वेलफेयर, होम गार्ड्स एंड सिविल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
3 उत्तर प्रदेश, इन्होंने इंडिया के लिए 40 टेस्ट खेले हैं। कमला रानी वरुण के बाद ये यूपी गवर्नमेंट के दूसरे मिनिस्टर हैं जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे इन मध्य प्रदेश टू बी नेम्ड आफ्टर विच लीडर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम कौन से लीडर के नाम पर रखा जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के पूरे 5 साल कंप्लीट किए थे। इनके जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 2018 में इनका देहांत हो गया था। ये 3 बार इंडिया के पीएम रहे, पहली बार 13 दिन के लिए 1996 में, फिर 13 महीनों के लिए 1998 से 1999, फिर पूरे 5 साल के लिए 1999 से 2004 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू लॉन्च्ड अ नेशन वाइड इनिशिएटिव ऑफ फिट इंडिया यूथ क्लब्स ऑन विच डेट। खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब्स किस दिन लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अगस्त 15। इस यूथ क्लब का मकसद फिटनेस की इंपॉर्टेंस बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड अंडर मेजर एक्सपेंशन ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स और NCC? NCC के एक्सपेंशन में कितने बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 173। टोटल 100,000 कैडेट्स NCC में शामिल किए जाएंगे बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से, और इनमें 1/3 कैडेट गर्ल्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM हैज बीन रोल्ड आउट ऑन अ पायलट मोड इन हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट मोड पर लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 6। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सभी भारतीयों को हेल्थ ID मिलेगी जो कि मेडिकल सर्विसेज प्राप्त करने के प्रोसेस को सरल बना देगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नागर एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप में ये मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रियट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 13 इन विच स्टेट। 13 अगस्त को किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मणिपुर। मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह, यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ये दिन 1891 के एंग्लो मणिपुरी वॉर की याद में मनाया जाता है। मैतेई, पंगल जो कि मणिपुरी मुस्लिम होते हैं, नागा एंड कुकी या जो यहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं। मैप में देखें तो मणिपुर असम, नागालैंड, मिजोरम एंड म्यांमार से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रोल्स आउट KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन फॉर फार्मर्स। किस बैंक ने किसानों के लिए KCC रिव्यू ऑप्शन की शुरुआत की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सर्विस SBI ने अपने योनो कृषि प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई है ताकि किसानों को अपनी KCC लिमिट को रिवाइज कराने बैंक न आना पड़े। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंडिया में 1998 में शुरू की गई थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ शौर्य KGC कार्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। किस बैंक द्वारा आर्म्ड फोर्सेस के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, HDFC बैंक। इस कार्ड के जरिए 10 लाख तक का लाइफ कवर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल रहेगा। ई किसान धन ऐप हर गांव हमारा इनिशिएटिव, ये HDFC बैंक से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड डिजिटल अपनाएं टू एनकरेज कस्टमर्स टू यूज डिजिटल बैंकिंग चैनल्स। किस बैंक द्वारा डिजिटल अपनाएं कैंपेन लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, PNB। इस कैंपेन के तहत PNB उन कस्टमर्स के अकाउंट से 5 रुपीज PM केयर्स फंड में डोनेट करेगा जो रुपए डेबिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए पहला ट्रांजेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एम्स टू हैव 0 रोड फैटलिटीज बाई विच ईयर।
इंडिया ने किस साल तक जीरो रोड फैटेलिटी पाने का लक्ष्य रखा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 2030। वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इस मिशन के लिए 7,000 करोड़ रुपए देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमेट विक्रम कुमार दोरईस्वामी अपॉइंटेड हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? विक्रम कुमार दोरईस्वामी को किस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 बांग्लादेश। ये रीवा गांगुली दास को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयर? गो एयर के नेक्स्ट सीईओ कौन होंगे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कौशिक खोना। गो एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसके मालिक वाडिया ग्रुप है और ये मुंबई बेस्ड एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2020? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2020 बुक किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 अर्जुन सुब्रमण्यम। इसमें कारगिल, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी, पंजाब खलिस्तान मूवमेंट, LAC पर तनाव की स्थिति, इन सभी घटनाओं का उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो? निम्न में से किन्हें ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हरभजन सिंह। ई बाइक गो एक अमृतसर बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप है। विच यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड इट्स 59th एनिवर्सरी ऑफ द डे जूरे डे ऑन 16 अगस्त? 16 अगस्त को किस यूनियन टेरिटरी ने अपना 59th डे जूरे डे मनाया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 पुडुचेरी। देखिए, डे जूरे का मतलब होता है लीगली या फिर राइटफुली या वैध तरीके से किया हुआ। 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी लीगली तरीके से इंडिया में मर्ज हुआ। ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुआ करता था। 18 अक्टूबर 1954 को हुए रेफरेंडम के बाद पुडुचेरी इंडिपेंडेंट टेरिटरी बना। पुडुचेरी का नाम 20 सितंबर 2006 को पुडुचेरी कर दिया गया। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी। आपको एक फैक्ट जानना जरूरी है कि पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों ही अनकनेक्टेड हैं। मैप में अगर आप देखें, पुडुचेरी और काराइकल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु द्वारा एनक्लोज्ड हैं, जबकि यनम एंड माहे डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश एंड केरला द्वारा एनक्लोज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच घराना? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज जी, जिनका देहांत हो गया है, किस घराने से बिलोंग करते थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 मेवती। ऑस्कर विनिंग मूवी लाइफ ऑफ पाई में इन्होंने अपने वोकल्स दिए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भीमसेन जोशी क्लासिकल म्यूजिक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2019 में एस्ट्रॉइड 206 VP 32 इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इनका जन्म हिसार हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन हैज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज इन विच स्टेट? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज यानी स्तंभ से बना ब्रिज किस राज्य में बनाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 मणिपुर। ये ब्रिज इजई रिवर पर बना है। इसके पियर की हाइट है 141 मीटर और इस ब्रिज की लंबाई है 703 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लाख विलेजेस विल गेट ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट इन हाउ मेनी डेज? कितने दिनों में 6 लाख गांव तक ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 1000। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा ट्रांसफर लाइट या प्रकाश के थ्रू होता है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी तार होती है, जिससे लाइट के रूप में इंफॉर्मेशन या डाटा ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, एयरटेल पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है जिसने अंडमान एंड निकोबार में अल्ट्रा फास्ट 4G लॉन्च किया है। और एक फैक्ट आपको और बता देता हूं, नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रेसिंग ड्राइवर्स वॉन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? निम्न में से किस F1 रेस ड्राइवर ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 लुइस हैमिल्टन। देखिए,
जो शुरू के ये तीन रेसिंग ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से ही कोई एक टाइटल जीतता रहता है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश हैं, जो कि मर्सिडीज टीम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्स वर्स्टैपन बेल्जियम डच ओरिजिन के हैं, जिनकी टीम है रेडबुल। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं और इनकी टीम है मर्सिडीज। लैंस स्ट्रोल कनाडा के हैं और इनकी टीम है रेसिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर्स वॉन प्राग ओपन टाइटल। निम्न में से किसने प्राग ओपन टाइटल जीता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, सिमोना हलेप। देखिए, सिमोना हलेप रोमानिया की प्लेयर हैं और इस वक्त वुमेन कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी नंबर वन टेनिस प्लेयर हैं। ये फैक्ट आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द ई पोर्टल ऑन ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नेम्ड स्वास्थ्य। निम्न में से किसने ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मेथड डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट द येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर टेस्टिंग पीपल सस्पेक्टेड ऑफ SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। उस मेथड का नाम बताना है जिसे येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने SARS-CoV-2 इन्फेक्शन की जांच के लिए बनाया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, सलाइवा डायरेक्ट। देखिए, इस टेस्ट में स्वैब सैंपल लेने की नीड नहीं होगी, केवल सलाइवा का सैंपल लेकर ही इन्फेक्शन की पुष्टि की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस मिनिस्ट्री टू परचेज 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। किस कंपनी से डिफेंस मिनिस्ट्री 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 एक्वायर करेगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल ही जो ये मिलिट्री हार्डवेयर होता है, इसे लेने और बेचने के मैटर को हैंडल करती है, और इस प्रोसेस में पहला स्टेप आता है AOH, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेई फ्लू पोर्ट दैट वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच आईलैंड नेशन। गुलेई फ्लू पोर्ट किस देश में लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, मालदीव्स। देखिए, भारत ने मालदीव को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, जिसके तहत ये गुलेई फ्लू पोर्ट तैयार किया जाएगा। मालदीव की कैपिटल है माले, यहाँ की करेंसी है रूफिया और यहाँ के प्रेजिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, AMICREST An incubator capabilities enhancement program for a robust ecosystem focused on creating high performing startups was launched by. AMICREST किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? The correct answer is option वन, नीति आयोग। AMICREST एक incubator capabilities enhancement program है startups को ग्रो करने के लिए। देखिए, बिजनेस लैंग्वेज में इंक्यूबेटर का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रारंभिक या अर्ली स्टेज के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सके, इन्वेस्टमेंट फेच करने के तरीके बता सके और उनके लिए इन्वेस्टमेंट ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अस्थाना हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स। राकेश अस्थाना को किस सेंट्रल फोर्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी BSF। देखिए, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करने का जिम्मा BSF का है। BSF 1965 में गठित हुई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG विल कनेक्ट हाउ मेनी कंट्रीज थ्रू अ कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर सोलर पावर। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत कितने देश इस सोलर ग्रिड से जुड़ेंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, 140। देखिए, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में किया है, हालांकि ये आइडिया 2018 से चर्चा में है। ये 140 देशों की एक कॉमन ग्रिड होगी जो सोलर पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज में लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC Limited has developed an infrastructure at which thermal power station to transport fly ash in bulk to cement plants located at distance at a cheaper cost. तो इसमें बताना है कि NTPC ने किस थर्मल प्लांट में ये फ्लाई ऐश अपना लोकेट किया है। The correct answer is option 2, Rihand Thermal Power Station. ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में, और इसकी कैपेसिटी है 3000 मेगावाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर बार्कले इन्वेस्टमेंट बैंक व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2020-21। बार्कले इन्वेस्टमेंट बैंक के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में क्या रहेगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 6%। बार्कले इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद औद बिलाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद औद बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मॉरिटेनिया। देखिए, मॉरिटेनिया एक नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ईस्ट कोस्ट पर। यहाँ की कैपिटल है नुआकशोट और यहाँ की करेंसी है ओगुया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनल सिस्टम गोट अप्रूवल फ्रॉम विच स्टेट? गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम को किस राज्य ने मंजूरी दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, उड़ीसा। इसे बीजेपुर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। देखिए, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसा पानी का सोर्स जिसका लेवल लैंड से नीचे है और उसे पंप करके फिर लैंड इरिगेशन में यूज किया जाता है। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा का नाम ओडिशा 2011 में किया गया। एक बात आपको और बता देता हूं, तेलंगाना का कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज एंड मल्टीपर्पस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है और करंट अफेयर्स की जो लिंक है वो पिन भी कर दिया गया है फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।